नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी और आप देख रहे हैं विवंशी न्यूज़। आज हम तेलंगाना सरकार के सिनेमाटोग्राफी मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव जी से एक छोटी सी मुलाकात की है, तो चलिए देखते हैं उन्होंने इस मुलाकात में क्या कहा। तेलंगाना में हिंदी भाषियों के विकास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? बहुत सारे कर रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में कोई भी कुछ नहीं कर रहे, मालूम है सबको। यहाँ पर उनके बिजनेस के लिए, उनके साथ तो अच्छे रहने के लिए यहाँ पर बिजली मिलता, करंट, पानी मिलता, अच्छा कनेक्टिविटी है, अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा लैंड ऑर्डर है, सब कुछ बहुत अच्छा है। वो लोगों को बहुत सहूलत मिलेगा और सारे हिंदुस्तान में ऐसी सहूलत किधर भी नहीं रहेगा। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो आजकल हम देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो राष्ट्रीय एकता के लिए सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए? अभी आफ्टर फ्रीडम 1947 में अपने को आज़ादी आया, आज़ादी में सब लोग लड़े एकता के लिए, एकता और राय के लड़े। मगर आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा बोलो तो डिवाइड करके वो लोग मनमाने कर रहे, वो तो सारे हिंदुस्तान जानते हैं। मगर इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ के पॉपुलेशन है अपने देश में, उनके लिए, उनके इंतज़ाम के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनके बच्चों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए सोचना कोई भी गवर्नमेंट। मगर अभी आए हिंदुस्तान में गवर्नमेंट लड़ाई के लिए सोच रहे, वो लड़ाई नहीं रहना। कहीं को बोलो तो सब आज जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सब लोग मिलजुल के रहना आगे बढ़ने का है। ओके जी, धन्यवाद। तो ऐसे ही खास इंटरव्यूज के लिए मेरे चैनल वी वंशी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।